तो इसमें रखी है चूहे मारने के लिए दवा, और बहुत सारे चूहे मरते गए, फिर भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाते इतने चूहे। और ये स्टेशन तो यहाँ पूरे चूहे की फोटो दिखी धीरे इधर उधर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजू गुसाई ब्लॉग में। आप सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा गांव का नाम है भरनो चौकी, पड़ता है पौड़ी गढ़वाल के थेलसा ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ अपने मुर्गे फार्म की फिर से सफाई। उस दिन मैंने सिर्फ एक कमरे की सफाई की हुई थी, आज मैं दूसरे कमरे की सफाई करूँगा और पूरे मुर्गे फार्म की सफाई करूँगा मैं डेली डेली। तो यहाँ क्योंकि हम इतना ध्यान ही दे रहे हैं आजकल, क्योंकि यहाँ मुर्गे कम है और यहाँ रहते भी नहीं है, तो यहाँ बहुत सारी गंदगी हो रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा साफ कर लूँ यहाँ। आज मैं करूँगा यहाँ की सफाई, जो ऊपर वाला कमरा है, और यहाँ पे मैंने बिस्तर भी निकाल दिया सुखाने के लिए, और यहाँ पे पानी लगा रखा है मैंने ये फूलों में, ताकि फूल अच्छी तरह से खिले रहे थे। आप देख सकते कितने प्यारे फूल हो रखे हैं। यहाँ पे साथ में मैंने मुर्गियाँ भी निकाल रखी है और मुर्गियाँ नीचे जा रखी है, देख सकते हैं। तो मैं ऊपर कमरे में जाता हूँ। और कुछ सफाई मैंने कल कर ली थी यहाँ पे, बहुत सारा कूड़ा निकाला मैंने यहाँ का। और यहाँ पे देखिए, जब हमारी ब्लैकी थी तो यहाँ पे ब्लैकी ने खो रखा था अपने बच्चे के लिए, और यहाँ पे चूहे ने देख सकते हो, नहीं ये तो ये चुतरियाल ने खोदा हुआ था और चूहा ने यहाँ पे खोदा हुआ था, देख सकते हैं। पूरे कमरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो इन बर्तनों को भी बाहर निकालता हूँ मैं और यहाँ पे झाड़ू मार लेता अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने मुंह पे कपड़ा भी लगा दिया ताकि धूल मिट्टी मुंह में ना जाए, और इन बोरियों को भी निकालते हैं। और ये तख्ते इसमें लगाए रहते हैं और बेड बनाया होता है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हम दिन में रहते हैं, जैसे बंदर बंदर आ गए तो बंदरों की चौकीदारी करने के लिए यहीं पे रहना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले झाड़ू मारेंगे, फिर देखते हैं कल मिट्टी और गोबर लेके आएंगे, इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से लिपाई कर देंगे। तो इन बर्तनों को भी एक इकट्ठा करते हैं और इनको भी पहले धो लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी धूल मिट्टी जमी हुई है। इनको नीचे लेके चलते हैं, और वैसे भी इन्हें यूज नहीं करते हम, यहाँ खाने नहीं पकाते हम, पहले पका देते हैं, बाद में पकाते हैं। तो आधा सामान तो निकाल दिया मैंने यहाँ का, तो जो ये तख्ते हैं उनको यहीं रहने देंगे, क्योंकि उनको कौन करेगा अंदर बाहर। तो अब फटाफट झाड़ू मारता हूँ मैं, और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी भी उड़ गई है और जो चूहे के पुट्टे है ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इसमें रखी है चूहे मारने के लिए दवा, और बहुत सारे चूहे मरते थे, फिर भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ जाते इतने चूहे। और ये स्टेशन तो यहाँ पूरे चूहे की फोटो दिखी धीरे इधर उधर। तो अब यहाँ पे रोटी के टुकड़े या मीट के टुकड़े भी लगाना पड़ेगा दवाई, फिर आएंगे चूहे से खाने के लिए, फिर मरेंगे साला। उन्होंने पूरे कमरे की ऐसे हालत कर दी थी ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा कमरा चमका दिया है और इतना सारा कूड़ा निकाला मैंने यहाँ से, आपने देखा ही होगा। और इन छेदों को बंद करता हूँ मैं पहले, और जो ये गड्ढा है यहाँ पर। तो अभी मैं ये टप और ये कुदाल लेके जा रहा हूँ मिट्टी लेने के लिए, जो चिकनी मिट्टी होती है इससे लिपाई की जाती है हमारे यहाँ। तो अभी तो गोबर है नहीं, तो सिर्फ जो ये गड्ढे हो रखे हैं इसमें डालूंगा मैं चिकनी मिट्टी, तो लिपाई कल करूँगा मैं, कल मैं गोबर लेके भी आऊँगा। और लिपाई करते हमारे यहाँ गाय या बैल के गोबर और मिट्टी से, इन दोनों को मिक्स करके लिपाई करते हैं, और भैंस के गोबर से नहीं करते यहाँ। तो चिकनी मिट्टी यहाँ से खोदूंगा मैं,
यहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो दूर कहाँ जाने, यहीं से लेके चलते हैं। यहाँ पे इतनी चिकनी मिट्टी निकाल दिया मैंने, और चिकनी मिट्टी कुछ इस प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल कठोर होती है। अभी मैं आ चुका हूँ गौशाले के छत में, और अभी मिट्टी भिगोने के लिए रखी है मैंने पानी में। जब तक ये भीगता है तब तक मैं इन बिस्तरों को दूसरी तरफ पलट लेता हूँ। यहाँ पे मिट्टी भी भीग चुकी है, तो इसको अंदर लेके चलता। ओ बापा कितना भारी हो रहा है, घास उठाया जा रहा है। सारी मिट्टी तो एक ही गड्ढे में चलेगी, और ये भी कम पड़ चुका है। मुझे क्या पता इतना सारा मिट्टी चाहिए यहाँ पर, अपना अशुभता है यहाँ पर। तो ऊपर सफाई कर ली है मैंने, तो इसके बाद मैं इन बर्तनों को साफ करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे बर्तन है, फटाफट करता हूँ साफ। और अभी दिन के 11:30 हो चुका टाइम, तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन भी साफ कर दिए हैं। अब इनको सुखाने के लिए यहाँ पे रखते हैं। अब रह चुका है यहाँ पे एक गैस का चूल्हा, इसे भी साफ करते हैं फटाफट। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेड, पहले भी यहाँ पे बेड बना रखा था हमने। तो ये ब्लॉक रखे है ऊपर से तकते रखेंगे, इसके ऊपर से बिस्तर लगा देंगे और अच्छा हो जाएगा सोने के लिए यहाँ पर। दोस्तों अभी टाइम 12:30 हो चुका है, तो मेरा काम यहाँ का फिनिश हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस कमरे को किस तरह से चमकाया है।
देख सकते हो बिल्कुल मैंने साफ बना दिया, क्लीन हो चुका है यहाँ पे। सारे बर्तन माज मूज के यहाँ पे रख दे, और गैस का चूल्हा, और अलमारी में देखे हैं सारे डब्बे, जितने डब्बे यहाँ पे फैले हुए थे ये सब मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, देख सकते हैं। अरे नमक मिर्च चाय पत्ती, ये नीचे तेल के डब्बे, और नीचे औजार रखे हैं, और ये तवा रखा हुआ है। और यहाँ पे जब सूख जाएगा तो इसके बाद पूरे फर्श की लिपाई कर देंगे। आप कमेंट करके बताने कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मैं घर चलता हूँ अब लंच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।